हेलो सर, आज अपन दिखाने वाले हैं आपको मोटरसाइकिल के लिए इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट, हब मोटर किट। तो दोस्तों, ये जो किट होने वाली है ये मोटरसाइकिल के लिए कन्वर्जन किट होने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है इसमें हम एंटी थेप सिस्टम, ये डिजिटल मीटर और बहुत सारे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आते हो हमारे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमारे जो है चैनल पर रीच बढ़ती है, तो आपका लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारे पास हब मोटर किट है ये मोटरसाइकिल के लिए है। तो ये 48 वोल्ट 800 वाट की है, ये 18 इंच में है, 18 इंच की ये मोटर है। अपना 275/18 या 300/18 टायर लगता है इसमें। और इसके साथ जो है हब मोटर आपको, ये जो आपको सिंगम भी मिल जाता है सिंगम, तो इसमें आपको जो है ये आपका, इसमें आपको ब्रेक शू मिलता है। तो ये नॉर्मल ड्रम ब्रेक शू वाली है, ये डिस्क ब्रेक वाली मोटर नहीं है। तो इस प्रकार से जो है इसमें आपको सिंगम भी मिल जाता है, जो आपकी बाइक को सीधा सिंगम निकाल के डायरेक्ट ये लगा सकते हैं और आपकी हब मोटर फिट कर सकते हैं। क्योंकि कई मोटरसाइकिल में सिंगम अलग टाइप का रहता है, उस वजह से जो है सिंगम भी आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आपको किसी कोई DIY प्रोजेक्ट यूज़ करना है तो उसमें DIY प्रोजेक्ट में आपको सिंगम ज़रूरत रहती है। तो इस प्रकार से आपको सिंगम प्लस आप देख पा रहे हैं, ये आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है। तो इस पर जो है आपको बैटरी लेवल, स्पीड और बहुत सारी चीज़ें शो करता है। तो ये डिजिटल मीटर जो है ये 48, 60 और 72 वोल्ट में भी काम करता है। तो इसके पीछे अपन ने की लगा दी है, क्योंकि हम कस्टमर, किसी भी कस्टमर को जब हम किट भेजते हैं तो सभी कनेक्शन पर मार्किंग करके भेजते हैं, ताकि जो है कनेक्शन करने में उनको समस्या ना हो, ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। आप चाहे मेरे से कोई भी किट लेते हैं तो कनेक्शन पर मार्किंग हमेशा मिलेगी, पूरा काम सीधा करके देते हैं। प्लस आप देख पा रहे हैं ये कंट्रोलर है, ये 800 और 1000 वॉट का कंट्रोलर है। तो ये 48 वॉल्ट से ही ऑपरेट होगा, इसमें बेशक 48 और 60 दोनों लिखा हुआ है, मगर 48 वॉल्ट से ही ऑपरेट होगा। तो इस प्रकार से जो है आप देख पा रहे हैं, कंट्रोलर में जितने भी कनेक्शन हैं सभी पर मार्किंग कर दी है, और जो कनेक्शन नहीं बने रहते हैं पार्ट्स के लिए, जैसे कंपोनेंट्स के लिए, मीटर वगैरह के लिए और अपना कन्वर्टर, ये सब चीज़ों के लिए, तो वो हम पूरे कनेक्शन बना के देते हैं, कनेक्टर वगैरह लगा के देते हैं। कस्टमर को सीधा सीधा जो है कनेक्टर वाइज कनेक्टर ज्वाइन करना है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कस्टमर को। सीधा सीधा हम पूरे कनेक्शन हम बना के देते हैं, क्योंकि कंट्रोलर में ये कनेक्शन वगैरह बने नहीं रहते कि मीटर में कैसा कौन सा वायर लगेगा, और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब नहीं हुई रहती हैं कनेक्शन, क्योंकि कंट्रोलर के अलग होते हैं, मीटर वगैरह की सभी ये सब चीज़ें नहीं रहती है, वो हमसे बना के देते हैं। प्लस ये थ्रॉटल है, जिसमें लेफ्ट राइट का स्विच मिल जाता है, और इसमें 3-स्पीड मोड भी मिल जाता है। प्लस आप देख पा रहे हैं इसमें भी जो है मार्किंग अपन ने कर दी है, क्योंकि ये जो कस्टमर के ऑर्डर पर है ये किट, तो कस्टमर के ऑर्डर पर ही पूरी किट जो है चेक करके हम भेजने वाले हैं, बगैर चेक करे और बगैर मार्किंग करे हम नहीं भेजते हैं। कस्टमर के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा इजी हो, हम इजी, ज़्यादा से ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है कस्टमर डायरेक्टली सीधा फिट करके और अपनी जो है मार्किंग के अनुसार, जैसे एच है तो एच के सामने एच, ए के सामने ए, इस प्रकार से कनेक्टर ज्वाइन करके जो है अपनी अपनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बाइक को या DIY प्रोजेक्ट बना पाए, ताकि जो है कस्टमर को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इन सब चीज़ों में समय बहुत लगता है कनेक्शन वगैरह चेक करने में। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप देख पा रहे हैं इस किट में मिलती हैं। ये कनेक्टर जैक है बैटरी को कनेक्ट करने के लिए, तो इस टाइप से जो है ये कनेक्टर जैक मिलता है, जिससे बैटरी और कंट्रोलर का जो है कनेक्शन आप करेंगे। और ये आप देख पा रहे हैं ये एंटी थेप सिस्टम है। एंटी थेप में आपका जैसे सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पहले ये अपन ने नहीं डाला था, मगर ये ऑफर में अपन ने डाला है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं, इसमें भी मार्किंग कर दी है, इसमें भी हम स्पेलिंग के माध्यम से मार्किंग कर दी है। तो इस प्रकार से इसमें आपको MCB भी मिल जाती है, MCB जो है आपको इसमें 63 एम्पियर की MCB मिल जाती है। MCB के थ्रू जो है आपकी जैसे कभी कंट्रोलर शॉर्ट ना हो या बैटरी शॉर्ट ना हो, उस वजह से जो है MCP वैसे महत्वपूर्ण रहती है ई बाइक में, तो MCP भी हम इस किट में आपको दे रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यह मोटर का किट का कनेक्शन अपन ने कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं सभी कनेक्टर पर हम मार्किंग कर दी है। तो इस प्रकार से जो है मीटर में कौन सा वायर जाएगा, और ये एंटी थेप सिस्टम में कौन सा वायर जाएगा, और थ्रॉटल में कौन सा वायर जाएगा, सभी पर हमने मार्किंग कर दी है ABCDEFGH करके। तो ए के सामने ए, बी के सामने बी, इस प्रकार से जो है कस्टमर को लगाना रहता है। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी ये छोटी वायर है, कस्टमर को सिर्फ जो मेन मेन वायर हैं जैसे मीटर की और
कि वो सिर्फ वायर लंबी करनी पड़ेंगी, तो वो कट करके अपनी गाड़ी के अनुसार वो वायर लंबी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कंट्रोलर है, सभी कनेक्शन पर अपन ने मार्किंग कर दी है, सभी कनेक्शन बना दिए हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं तो की से ये जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन हो जाते हैं। जैसे ही की ऑन करते हैं तो पूरे कंपोनेंट्स ऑन हो जाते हैं। तो पूरे कनेक्शन अपन ने बना दिए हैं जो कस्टमर को हम देने वाले हैं। ये एंटी थैप सिस्टम है, जैसे ही हम इसको की को बगैर ऑन करे भी एंटी थैप सिस्टम से भी ऑन कर सकते हैं अपनी ई बाइक को इसके थ्रू, और लॉक और अनलॉक दोनों कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको लॉक करते हैं, लॉक करते हुए भी आपका जो है व्हील जाम हो जाता है। जैसे ही आप भी अगर लॉक कर देते हैं इसको एंटी थैप सिस्टम से और व्हील को घुमाते हैं, और जैसे ही आपकी कोई गाड़ी अगर उठा के अगर चुराने की कोशिश करता है तो ये जो है व्हील आपका जो है ये जाम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये जैसे ही हम घुमाएंगे तो वैसे ही आवाज़ करने लगेगा और व्हील जाम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है एंटी टैप सिस्टम का काम होता है। मैंने वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा था, उस वजह से मैंने जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं एंटी टैप सिस्टम में जैसे ही हम लॉकिंग का सिस्टम दबा देते हैं तो ये भी लॉक हो जाता है इस प्रकार से। तो और आप देख पा रहे हैं ये कन्वर्टर अपन ने लगाया है 48 वोल्ट से 12 वोल्ट का कन्वर्टर। जैसे अपनी बाइक में जैसे गाड़ियाँ वगैरह लाइट वगैरह होती हैं, इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, तो उसको आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ती है। तो उसके लिए भी अपन ने कनेक्शन बना दिया है, की के लिए कनेक्शन बना दिया है, मीटर के लिए कनेक्शन बना दिया है, और 12 वोल्ट सप्लाई के लिए भी अपन ने ये कन्वर्टर के थ्रू जो है कनेक्शन बना लिया है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं अपन मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो ये कन्वर्टर के थ्रू जो है आगे इसका जो 12 वोल्ट अपन ने सप्लाई दी है तो ये 12 वोल्ट आप देख पा रहे हैं। मेरा मीटर थोड़ा ख़राब है, मीटर का जो पॉइंट ख़राब है, तो ये 12 वोल्ट आपको दिखा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं 12.7 वोल्ट जो है अपना अभी वोल्टेज आ रहा है। वैसे 48 वोल्ट की बैटरी से चलता है तो कोई भी किट होती है जैसे 24 वोल्ट 36 वोल्ट, तो उसमें लाइट वगैरह के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ती है अगर एक्स्ट्रा लाइट और हॉर्न और इंडिकेटर जलाने के लिए रहता है। तो इसमें भी अपन ने इसमें कनेक्शन बना दिया है, आप देख पा रहे हैं ये 12 वोल्ट सप्लाई आगे दे रहा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ से जो है 12 वोल्ट सप्लाई लेके अपनी गाड़ी में ई बाइक में जो नॉर्मल पेट्रोल बाइक होगी उसमें लाइट और इंडिकेटर और हॉर्न वगैरह में कस्टमर दे सकता है। तो इस प्रकार से जो है हम इसके पूरे कनेक्शन बना के ही कस्टमर को देते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये हब मोटर चेक हो रहा है। तो ये हब मोटर चेक करने का ये आप देख पा रहे हैं हम सभी चीज़ें जो हैं परफेक्ट चेक करके देते हैं ताकि जो है कस्टमर को किसी भी प्रकार से समस्या ना हो। ये आप देख पा रहे हैं ये मोड है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें स्पीड इंक्रीज़ और कम ज़्यादा होती है। प्लस आप देख पा रहे हैं ये नीचे ऊपर इसके रिवर्स फॉरवर्ड का स्विच है, तो ये रिवर्स फॉरवर्ड का भी स्विच जो है इसमें आपको स्पीडोमीटर में जो है इसमें स्पीड भी शो करेगा। ये जो है स्पीडोमीटर आप देख पा रहे हैं तो स्पीडोमीटर में भी ये स्पीड शो करेगा कि आपकी गाड़ी जो है कितनी स्पीड चल रही है। अभी जो ये है इसमें आपको स्पीड ज़्यादा शो करेगा क्योंकि अभी लोड नहीं है। लोड पड़ने के बाद जो है इसकी स्पीड आपकी 45 तक की टॉप स्पीड देता है। जैसे आपको यहाँ पे 80 दिखा रहा है, जैसे ही लोड पड़ता है इसकी स्पीड जो है 45 से 50 तक की आती है। 45 तक की करीबन स्पीड मेरी टेस्ट की हुई है। तो इस प्रकार से जो है इसकी स्पीड आपको यहाँ पे शो करेगा, बैटरी लेवल शो करेगा कि आपकी बैटरी आपकी इस गाड़ी में बैटरी कितनी बची है पॉइंट शो करता है, और नीचे आपको किलोमीटर शो करता है, सब चीज़ें जो है आपको इसमें शो करता है मीटर में। तो इस प्रकार से जो है किट हम कस्टमर को भेजते हैं पूरे कनेक्शन पर मार्किंग करके। तो दोस्तों ये हमारा एड्रेस है JMD इलेक्ट्रो इंटरप्राइजेस हमारी शॉप का नाम है, और हमारा एड्रेस जो है वो शांति नगर कुंदन दास स्कूल के पास हमारा ये एड्रेस है। हमारा शहर का नाम है कटनी, हमारे स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अगर आप कटनी में आकर लेना चाहते हैं तो कटनी में आपको 3 रेलवे स्टेशन मिल जाते हैं जिसमें कटनी जंक्शन, कटनी मुड़वारा और कटनी साउथ, किसी भी स्टेशन पर अगर आप उतरेंगे तो आपको माधवनगर चिल्लाते हुए ऑटो मिल जाएंगे। उसी ऑटो में आपको बैठना है और आपको शांति नगर चौराहे पर उतर जाना है। शांति नगर चौराहे पर कुंदन दास स्कूल के पास उतरना है, वहीं से 5 कदम पर मेरी शॉप है। और ऑटो वाला आपसे माधवनगर के लिए मात्र 20 रुपये किराया लेता है। कई लोग रिजर्व ऑटो करके आ जाते हैं यहाँ पे क्योंकि किसी भी शहर में आप जाओगे तो ऑटो वाला रिजर्व ही भी बोलेगा, तो इस वजह से जो हम हर वीडियो में आपको बता देते हैं दोस्तों।